नगर पालिका से नगर निगम हुआ, नगर क्या आपको लगता है कि इस 5 साल के दरमियान आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं? परिवर्तन तो हुआ है, नगर निगम में टैक्स सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। सीवर लाइन डाली गई है, जगह जगह पर गड्ढे हैं और उससे बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस बार चुनावी बिगुल बजने ही वाला है यूपी में नगर निगम चुनाव को लेकर, इस बार क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाजपा का तो बहुत उम्मीद किया जा रहा है, पर अयोध्या की तोड़ फोड़ को देखते हुए उम्मीद थोड़ी कम भी है। और अगर स्वच्छता की बात करें अयोध्या में तो कहां तक स्वच्छ आपको दिखाई पड़ रहा है? अयोध्या में स्वच्छता तो हुई है, बहुत जगहों पर नालियां बहुत बढ़िया बना दी गई, सड़कें बहुत बढ़िया बना दी गई, जहां पर सड़कें नहीं थी सीताकुंड वार्ड में तो बहुत बढ़िया सड़कें बना दी गई, वहाँ के पार्षद बढ़िया थे, जहाँ के पार्षद बढ़िया थे वहाँ के बहुत बढ़िया नालियां बना दी गई, सड़कें बना दी गई। इसी मोहल्ले में आगे जा कर के देखिए कई कई गड्ढे हैं और ये रोज जाम लगता है, इस जाम का कोई निजात नहीं है। इधर दिखाइए, जाम दिखाइए, ये 3 घंटे का जाम लगता है। तो आप ये बताइए कि जो यूपी सरकार भी जो डबल इंजन की सरकार है, आप कितने नंबर देंगे? नहीं, नंबर तो देंगे हम 8 नंबर देंगे, 2 नंबर रोकेंगे, 2 नंबर ही जरूरी होता है, वो 2 नंबर पाना है तो काम करें। और भी हमारे साथ और भी यहाँ के पर्यटक हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र दास, हनुमानगढ़ी। आपको 5 साल के दरमियान क्या क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? यहाँ तो परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है योगी सरकार जी में, और यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है अच्छे से, जो है सड़कें बन रही। तो सरकार को कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से पूरा फुल। एक नंबर भी नहीं काटेंगे, इतनी स्वच्छता है यहाँ पर और लोग यहाँ पर चौड़ीकरण कराया जा रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं क्योंकि रोड चौड़ी हो रही है, आए दिन जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं आने जाने में। अगर जो रोड चौड़ा हो जाएगा तो इसमें परेशानी जो है बाधाएँ कम हो जाएगी। नगर निकाय चुनाव में किस पार्टी की हार और किस पार्टी की जीत? ईमानदारी से बता देना चाहता हूँ कि नगर निकाय चुनाव जो है पार्टियों की होती है, व्यक्ति के प्रतिनिधि की भी होती है। अच्छे प्रत्याशी के व्यक्ति अगर पार्टियाँ लगाती हैं तो उनका अच्छा हो रहता है। और जहाँ तक अब इस समय माहौल का प्रश्न है, जो व्यापारियों को निरस्त किया गया है, परेशान किया गया, जीएसटी और इस तरह से परेशान किया गया है, व्यापारी भी इस समय मोह भंग हो रही है। समाजवादी पार्टी इसमें उद्गम की तरफ से बहुत अच्छे निकाय चुनाव में किस पार्टी की हार और किस पार्टी की जीत? इस बार का निकाय चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, विशेष करके बीजेपी के लिए, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बेलगाम बढ़ रही है तो बीजेपी के लिए ये इस बार का निकाय चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हम जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर में खड़े हैं, यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और उनकी जो कार्यप्रणाली रही है इस 5 वर्षों में बहुत ही खराब, बहुत बहुत औसत से भी बहुत ज़्यादा खराब रहा। तो जनता एकदम पूरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है महंगाई से भी और वर्तमान के जिलाध्यक्ष से भी। तो चीज़ें अगर देखा जाए तो इस बार का निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बहुत टफ होने वाला है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार के निकाय चुनाव में, क्योंकि सिर्फ हिंदुत्व मंदिर 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 करके आप निकाय चुनाव नहीं जीत सकते, आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ ठीक है, इसके पहले आप लोगों को भ्रमित किए और लोग आपके बहकावे में आए, आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनी, लेकिन निकाय चुनाव जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल 1 साल 2 साल 3 साल पूरा हुआ है, लोग अवेयर हुए, जागरूक हुए और उनको समझ में आ गया कि इस सरकार के पास रोड मैप कुछ नहीं है विकास का, सिर्फ हिंदुत्व का रोड मैप है और हिंदुत्व के रोड मैप पे सरकार चुनाव जीतने वाली नहीं है। इस बार का निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बहुत टफ होगा, जो भी पार्टियाँ जीतेगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत टफ होने वाला है। निकाय चुनाव में किस पार्टी को जीत, किस पार्टी को हार? देखिए, निकाय चुनाव में ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी जीत किसकी हार होगी, वो तो समय बताएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इस समय मौजूदा सरकार से जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। महंगाई को देख लिया जाए, गैस सिलेंडर को देख लिया जाए, मतलब अन्य कई मामलों में देखा जाए तो ये सरकार नाकाम है, अपने मुद्दे से भटक गई है, अपने मुद्दे पर बात नहीं करती। अगर कोई बात करता है कि क्या नाम है, आपने काम क्या किया, विकास क्या किया, तो मंदिर मस्जिद
इंडिया पाकिस्तान करके भ्रमित कर देती है, मुद्दे को भटका करके सरकार खाली जब तक सरकार में रही है तो इनका बस मामला ही रहा है कि खाली सबको भ्रमित किया जाए और सरकार में माल काटा जाए। तो मेरा मानना है कि इस बार इनको जनता नहीं स्वीकार करेगी, इनको जनता हटाएगी और आगे में फिर देखते हैं कौन क्या प्रत्याशी किसने कैसे किया है, वहाँ की जनता वहाँ के प्रत्याशियों के हिसाब से कैसे क्या करना है जनता डिसाइड करेगी। निकाय चुनाव में किस पार्टी की हार और किस पार्टी की जीत? निकाय चुनाव में पार्टी मतलब जो विकास का कार्य करेगी। निकाय चुनाव को लेकर किस पार्टी की हार किस पार्टी की जीत? इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश अंदर नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में जनता विकास को देख रही है, कानून व्यवस्था को देख रही है, इसके साथ ही जनता ये मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जैसे केंद्र में सरकार मोदी जी की है, यूपी में सरकार योगी जी की है, ऐसे नगर निकाय में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की हो और जनता विकास और कानून व्यवस्था को देख करके मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने वाली है, क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं किसी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई काम नहीं है, उल जुल की बातें करती हैं, जनता के जनप्रिय की बातें कुछ नहीं करती हैं। लोग सरकार में आए चाहे सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली हिंदू मुसलमान के लोग आए और लड़ा करके लोग राज करते रहे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई तब से लेकर के आज तक पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में कानून का राज चल रहा है, विकास हो रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे असहाय हो, हर लोगों के लिए माननीय मोदी जी कोई न कोई योजना के माध्यम से सबको लाभान्वित कर रहे हैं, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और पुनः नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराएगी। निकाय चुनाव को लेकर किस पार्टी की हार और किस पार्टी को जीत? निकाय चुनाव अम्बेडकर सिंह चुनाव है, इस जिले का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जिला परिषद का है, यहाँ काम पर वोट होगा, महंगाई पर वोट होगा और दुनिया पूरे सिद्धार्थनगर के लोग त्रस्त हैं, यहीं से आप खरीदिया रोड पर चले जाइए और किसी मोहल्ले का जनसंपर्क रोड देख लीजिए, निश्चित ही वो टूटा और भूमि तब्दील हो गया है, जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, झूठ और फरेब और खाता में बात नहीं आएगी, कांग्रेस को की तरफ सिद्धार्थ निकाय चुनाव में किस पार्टी की जीत किस पार्टी की हार? निकाय चुनाव में वैसे कोई भी पार्टी ऐसी ही नहीं है जो अपने आप को अकेला दिखा सके, क्योंकि अब जनता भी ये चाह रही है कि कौन कितना कहाँ कैसा विकास कर रहा है, वैसे जो शासन हमारा चल रहा है उस शासन के मुताबिक चुनाव जीतेंगे लोग, ठीक, और जो भी अदर पार्टियां हैं वो पार्टी मेहनत भी करेंगी और मेहनत करने पर भी सफलता पा जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर किस पार्टी की हार और किस पार्टी की जीत होगी? अब श्रीमान जी पूरे नगर में चर्चा तो सभी पार्टियों का अपना अपना इसमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई पड़ रहा है, फिर आने वाले समय में ही दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी ही की प्रचंड फैलाए और कांग्रेस में और भाजपा में ही लड़ाई होगी। किस पार्टी को आपकी जीत मिल सकती है? अब तक का तो दोनों में रहेगी संभवता, अब मेहनत की बात है, अगर भाजपा ज़्यादा मेहनत करके लगेगी तो भाजपा निकाल ले जाएगी और नहीं तो कांग्रेस का प्रत्याशी अगर मेहनत करेगा तो नहीं निकालेगा, उसके लिए बड़ी चर्चा है। क्या लगता है कि अयोध्या में अभी कुछ दिन पूर्व भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, काशी के कॉरिडोर के तहत सेम रोड बनाया जा रहा है, यहाँ पर तीनों उन्हीं के तर्ज पे जो यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और राम पथ, उसके तर्ज पे जो यहाँ पर जो यहाँ के मूल निवासी रहे, जो यहाँ के दुकानदार थे, जो यहाँ के व्यापारी थे, वो कहीं ना कहीं विस्थापित हुए हैं। क्या लगता है कि क्या इस बार अयोध्या का बेड़ा पार होगा? और कहीं ना कहीं बात सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि इस बार कमल का बेड़ा पार होगा कि नहीं? आप जानते हैं कि राम मंदिर के लिए हम सभी ने सैकड़ों वर्ष संघर्ष किया और हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद आज हम सभी का सपना साकार हो रहा है, तो अगर
हम ये सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए कितना बलिदान, कितना कष्ट सहा, तो ये विकास के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार ने सभी के हितों का ध्यान रखते हुए सभी को कहीं ना कहीं विस्थापित करने का प्रयास किया है, और आने वाले समय में सभी को एक उचित माहौल मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ व्यापारियों का विकास भी होगा। निकाय चुनाव में इस बार जीत बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष एकदम बटा हुआ, इसका कोई बोलबाला नहीं, सब बिखरे हुए हैं, किसी का कोई प्रचार नहीं, किसी का कोई प्रचार नहीं, जो लोग दौड़ रहे हैं क्षेत्र में जनता से संपर्क बना रहे हैं। अन्य पार्टियां भी तो दौड़ रही हैं, अभी तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, और इनके शासन काल में थोड़ा सा सुख से नहीं है कि कहीं दंगा फसाद लूट छिनी झपट्टी मारपीट, ये सब थोड़ा सबको शांति मिलता है। निकाय चुनाव को लेकर किस पार्टी की हार किस पार्टी की होगी जी? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुमत मत से जीत रही है, और एक पहली बात तो योगी की सरकार के इतने अच्छे कार्य है, किसी के घर में न अब लकड़ी जल रही है, न हर घर में सामुदायिक शौचालय चूल्हा, मतलब हर चीज़ का व्यवस्था हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार जो है पूरे विश्व में एक जो एक पंजाब में आपका देख लीजिए, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मांग कर रहे हैं, योगी सरकार एक अच्छी ऐसा काम कर रहा है जो पूरे विश्व में एक नाम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव एक बहुमत मतों से जीते। विधानसभा नगर में भाजपा का 100% जीत है निकाय चुनाव में, और योगी से कोई हम लोगों की समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारे ग्राम सभा में गांव की रोड बहुत ख़राब है, गांव की रोड एकदम गड़बड़ है, कहीं गांव का रोड ही नहीं सही है, यही समस्या हमारे जिले में, और बेरोजगारी, बच्चों का कोई जगह भी नहीं निकल रहा है, बच्चे सब बेरोजगार हैं। तो किसकी हार किसकी जीत होगी? अब हार जीत की क्या करेंगे, वो तो जिसका वो है उसी वही उसी का सत्ता उसी का चलेंगे। निकाय चुनाव में किस पार्टी की हार किस पार्टी की जीत? आज इस समय वर्तमान जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसके क्रियाकलापों से यहाँ का व्यवसायी भी, हमारे शहरों में व्यवसायी अधिक होते हैं, छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी, छोटे सब रहते हैं, उनको जिस तरह से इस मार को झेलना पड़ा है, एक एक महीना दुकान बंद करके वो घर से फरार रहा करते थे, अपने बच्चों को साग सब्जी के लिए वो परेशान थे, वो आज तो अपने मन में ठान के बैठे हैं इनसे बदला लेने के लिए, और दूसरा विकल्प अगर इस समय कोई दिखाई दे रहा, समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी का प्रचंडित होगा, उसके डर बस सत्ता पक्ष दूर दूर भाग रही है, चुनाव कराने से भी हट रही है, तो आप मिसाल है, एक साल पहले हो जाना चाहिए था, एक साल पहले। तो आखिर किस पार्टी की हार किस पार्टी की जीत? भारतीय जनता पार्टी अगली बार हर जगह हारने जा रही है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, एक नंबर की पार्टी है। अयोध्या को संवारने और सजाने का काम विश्व स्तर पर केंद्र की सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसका मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन मैं यहां अयोध्या का मूल निवासी हूं, तो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, जो यहां के रहने वाले हैं उनकी समस्याओं पे भी मैं गौर करता हूं, लोगों से मिलता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा जैन मंदिर चौराहा है, तो यहां पे इतना जाम लगता है कि आदमी के घर में कोई मरीज अगर हो जाए तो उसको अस्पताल नहीं पहुँचा सकता, आधा आधे घंटे का जाम लगता है। नगर निगम के चुनाव के लिए जो है मिला जुला रहेगा, क्लियर सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा। यहाँ की जो सीटें हैं, आप जिस मोहल्ले से हैं, क्या लगता है कि यहाँ से कौन किसका बेड़ा पार होगा, कमल है या मतलब सपा है, बसपा है, बसपा है? यहाँ का पार्टी लेवल का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लेकिन जो लोकल स्तर पे जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं या जो पहले के विजेता हैं, अलग अलग वार्ड, अब तो वार्ड भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और मैं अभी मिक्स है, किसी एक को आप नहीं कह सकते कि यही आदमी जीत जाएगा।